लड़की, उनको स्ट्रेटनिंग कराना था विथ ट्रीटमेंट। तो हमने उनको एस्टिमेट बताया कि 8,000 अप्रॉक्स आएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कटे से पूरा इधर से उधर घुमाएं। फिर लास्टली वो गायब हो गए। जिस गली में वो लेके गए वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये 5 से 6 बार ये काम कर चुके हैं। सुनहरे बालों में टिप टॉप मेकअप लगाए हैरान परेशान सी दिख रही ये लड़की असल में एक शिकारी है। भोली भाली बनकर विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर इस लड़की ने पटना के कई दुकानदारों को चूना लगाया है। राजधानी में आजकल इस गोल्डन बालों वाली लड़की का खौफ बढ़ते जा रहा है। इस लड़की ने अब तक पटना के कई दुकानदारों को अपना शिकार बनाया है। डिपार्टमेंटल स्टोर हो या गारमेंट शॉप हो या फिर पार्लर, कोई भी इसके खेल से बच नहीं पाया। चुनेबाज लड़की के शिकार का तरीका देखिए। शातिर लड़की पटना के मलाही पकड़ी स्थित एक ब्रांडेड पार्लर डी ऑपुलेंस में पहुंचती है। ब्लीचिंग, फेशियल, हेयर ड्राई समेत कई काम करवाने का ऑर्डर देती है। बीच में फरमाइश कर पार्लर वालों से ही चिकन बिरयानी मंगवाती है और फिर उसे आराम से खाती है। पार्लर स्टाफ ने एस्टीमेट भी दे दिया था, 8,000 रुपया का जवाब था, नो प्रॉब्लम। करीब 3 घंटों के बाद जब काम खत्म होता है तब शुरू होता है इस गोल्डन गर्ल का असली खेला। पहले तो वो कई लोगों को फोन लगाती है, बड़े स्टाइल में उन्हें पार्लर आने को कहती है, फिर दुकानदार को कहती है कि बगल में ही मेरा घर है, चलिए पेमेंट वही कर देती हूँ। पार्लर की महिला स्टाफ अपने पुरुष सहयोगी के साथ उस लड़की के पीछे पीछे जाते हैं। लड़की उन्हें बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की तरफ ले जाती है। जालसाज लड़की उन्हें LIG क्वार्टर में ले जाती है, जहां स्टाफ को नीचे रुकने को कहकर छत पर जाती है और फिर लापता हो जाती है। दरअसल LIG क्वार्टर में कई फ्लैट ज्वाइंट होते हैं। लड़की एक फ्लैट के ऊपर जाती है और स्टाफ को गच्चा देकर, चकमा देकर निकल लेती है। काफी खोजबीन के बाद भी चकमेबाज मैडम इनके हाथ नहीं लगती। स्थानीय लोग बताते हैं कि लड़की इससे पहले भी कई लोगों को लेकर इधर आ चुकी है और इसी तरह चकमा देकर फरार हो जाती है, जबकि इस इलाके में उसका घर भी नहीं है। एक हमारे यहाँ एक कस्टमर आई, एक लड़की, उनको स्ट्रेटनिंग कराना था विद ट्रीटमेंट। तो हमने उनको एस्टिमेट बताया कि 8,000 अप्रॉक्स आएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर दीजिए। हमने स्टार्ट किया, जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे यहाँ से कोई आ रहा है, फ्रेंड, कोई आंटी, मतलब 2-3 लोग आ रहे हैं, तो फिर वो मैं पेमेंट करूँगी। फिर लास्टली वो बोले कि आपको हमारे साथ घर जाना होगा, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं। जब हम उनके साथ, मैं गई और मेरे साथ 2 लोग और गए हमारे यहाँ के स्टाफ, वहाँ ले गए 2 घंटे से पूरा इधर से उधर घुमाई। फिर लास्टली वो गायब हो गए। कोई अमाउंट, कुछ भी अमाउंट नहीं दी। और जब जिस गली में वो लेके गए वहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये 5 से 6 बार ये काम कर चुके हैं। हालांकि लड़की की सारी गतिविधियां पार्लर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। अब देखना होगा कि पटना की पुलिस इस बबली पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DHD न्यूज़।